एग्जाम तो हो चुका था एंड फिजिक्स का एग्जाम था, अच्छा खासा चला गया एंड मेरे ईयरफोन्स गिर गए थे यार, मैंने लैब पे रखे थे वो ऐसे फिसले उधर ही गिर गए, तो अभी जैसे उठाए तब चलते हैं नीचे, मुझे कार को साफ करना, मतलब जो कार है उसको थोड़ा सा साफ करना है बिकॉज कुछ काम है, तो चलते हैं नीचे साफ करते हैं देन फिर मिलते हैं। अभी जस्ट स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करी, मतलब जब से मैं टी शर्ट पर बैठा था, एग्जाम खत्म हुआ सीधे एडिटिंग पे लग गया एंड बिकॉज रात में मैंने करनी बिकॉज पढ़ रहा था एंड सुबह उठा देन मैं सोचा यार थोड़ी देर और सो जाते हैं एंड बाद में एडिटिंग कर लेंगे क्लास के बाद, तो वही सीन हुआ। आधे घंटे लगते हैं यार एडिट करने में, इतने छोटे छोटे तो ब्लॉग हैं एंड और जो छोटे ब्लॉग बनने हैं तो मैंने पिछले ब्लॉग में बता ही दिया कि थोड़े थोड़े छोटे ब्लॉग बनेंगे। अरे रुक जा यार, नहीं रुकेगा, तो चलते नीचे अपन करते हैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू, मिलते हैं नीचे। तो गाइस हमारी हो चुकी है अच्छी खासी पोपट, हमें लगा वीडियो खड़ी है, वीडियो है नहीं, वीडियो ऑलरेडी पापा लेके जा चुके हैं, तो ठीक है काम टल गया। अब एक काम कर सकते हैं कि साइकिल जो गंदी हो रही है उसको थोड़ा सा झाड़ देते हैं, क्योंकि तो पूरी मिट्टी चिपकी हुई है ना, चेन खराब कर देगी अगर मैंने दाल दिन चिपकी रहनी तो निकालते उसको बाहर, थोड़ा बहुत ऐसी ब्रश व्रश से साफ कर देते हैं, धो नहीं रहा प्रॉपर, इसको वापस दिखाना पड़ेगा बिकॉज यार इसका टायर जो है ना पीछे वाला बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, लाइक फ्री घूम ही नहीं रहा एंड ये मुझे उस दिन ही पता चल गया था जब लोग साइकिल चढ़ा रहे थे ऊपर, तो रोलिंग नहीं बन रही थी, तो मैं समझ गया था कि पीछे वाला टायर फिर से दिक्कत कर रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा कि भाई इसको थोड़ा फ्री करो, लाइक यूजुअली काफ़ी फ्री रहता है ये टायर, तो इसको दिखाना पड़ेगा एंड भाई साहब क्या गंदी हो रखी है, इसे करते हैं साफ इसको। साइकिल तो कर दिए साफ, लाइक काम चला वाली साफ कर दी है, बीच में ये सब यहाँ यहाँ की मिट्टी नहीं हटाई बिकॉज वो फिर अच्छे से मिटानी पड़ती प्रेशर वेशर मार के, लेकिन ये सब तो साफ कर दिया नॉर्मल है, इसको रखते हैं वापस अंदर, बस काफ़ी ज़्यादा गंदी खड़ी थी एंड ये वाला कुछ ज़्यादा ही टाइट हो रहा है, तो मुझे ये दिखाना ही पड़ेगा अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलते अंदर देखते हैं। तो सर से कहाँ जा रही हो? डांस का मम्मी का शूट है, तो उसके लिए मम्मी एकदम प्रॉपर एकदम गेटअप में आ चुके हैं, एकदम ड्रेस कोड वगैरह जो भी है वो पूरा उसमें आ चुके हैं, तो मम्मी जा रही है अभी, बाय बाय, अच्छे से नाच के अच्छे से नाच। सो टाइम इज 1:30 एंड ब्लॉग हो चुका है पब्लिक, जो पुराना वाला ब्लॉग जो आपने देख लिया एंड अभी थोड़ी सी हालत को इग्नोर करना आई नो बहुत ज्यादा ये अजीब सी हो रखी होगी, तो अभी प्लान कुछ ऐसा कि चलते हैं नहाने देन इसका 2K मतलब के तो ऑलरेडी है, बस 2 लेके आना है बिकॉज हमारे बस 10 सब्सक्राइबर इस टाइम पे और चाहिए एंड मुझे नहीं पता कब तक होंगे, लाइक रात तक हो जाए या प्रोबेबली कल तक हो जाए, तो देखते हैं जैसे ही 2K होगा तो भाई उसका भी व्लॉग बनाएंगे एंड फिर उसको यहाँ लगा देंगे 1 की जगह, 1 यहाँ से निकल जाएगा, इसको फेंकूंगा नहीं मैं, रखूंगा इसको भी संभाल के जब तक ये है, अब निकालते उसमें कुछ हो गया बिकॉज पीछे टेप लगे हैं तो आई डोंट नो, बट ठीक है उसको अभी नहाने के बाद लेने चलेंगे देन फिर मस्त लेके आएंगे उसको, रख देंगे जब 2K होंगे तभी फुला के लगाएंगे, इस व्लॉग में तो अगर हो भी गए तो इस व्लॉग में तो नहीं लगेगा, वो अगले व्लॉग में लगेगा, तो अभी चलते हैं नहाने देन फिर मिलते हैं। नहाना हो चुका था डन, बट भाई ये जो मेस है ना अब इसको थोड़ा समेटते नहीं तो बहुत ज्यादा वाट लगने वाली है अगर अभी मम्मी आ गई अंदर ऊपर, तो करते हैं इस मेस को साफ एंड देन मिलते हैं इन 3, 2, 1 ग्रेट सक्सेस। अच्छी पोपट होती ना मेरी हर बार, मैं क्या बताऊँ, पूरा बोला सब फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो गया, जब बादल दिखाने की बारी है ऐसे करा मतलब अपनी तरफ करा तब देखा तो मेरी शक्ल दिख रही है उसमें, जो भी है लगे खाना वगैरह सब हो गया था, नहाना वगैरह भी हो गया था, रूम भी हमने साफ कर लिया था, अभी मम्मी आ गई अपने डांस वांस करके जो भी उनका जो था अभी लाइक जस्ट अभी आई है एंड पुराने ब्लॉग में जैसे मैंने बोला था कि भाई वो पिक थोड़ी सी पिक बोल रहा हूँ शॉर्ट थोड़ा सा ग्रेनी हो रहा है, तो वो भी सब सही था, वो बस एडिटिंग के टाइम पे देख रहा था पता नहीं क्यों वही उसी मतलब वही क्लिप में बिकॉज ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो हो सकता है उसके कारण कुछ हुआ, बट देन सेव होने के बाद फोन में भी काफ़ी अच्छा लगा एंड यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छा गया था, आई होप आपने भी इन्जॉय करा होगा एंड भाई बादल देखो आप इतने सही हो रहे हैं, लाइक कल तक तो इतना मतलब क्लाउडी था ना यहाँ पे, अभी भी क्लाउडी है बट अच्छे अच्छे क्लाउड है ना, कल दिखता हूँ मैं सर डार्क वाइब्स आ रही थी, आज तो बढ़िया धूप खिली बट इट्स नॉट गुड, मुझे नहीं पसंद धूप भाई, बहुत चिपचिप हो जाती है, तो बारिश तुरंत बाद धूप निकलना ना, देखते हैं मैं सोच रहा हूँ एक बार टाइम लैप्स और ले लेते हैं, टाइम लैप्स का बहुत मन करता है लेकिन ऐसे बात फिर हर कभी आते भी तो नहीं है, तो एक लेते हैं देन फिर मिलते हैं। टाइम इज 4:24 इन द इवनिंग एंड अभी चलते हैं 2 वाला बलून लेने, तो नहीं चलते एंड स्कूटी उठाते हैं नहीं चलते एंड मे बी मैं अमृत से कॉल करके पूछ लूंगा
देखो मैं कुकी से मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो पूछेंगे अगर वो घर पे होगा तो उससे भी मिल लेंगे। चलते हैं नीचे। जगह की रोड की जो हालत हो रखी है ना, मतलब सर्विस रोड हो मेन रोड हो, दिमाग खराब हो गया। लाइक पूरा टाइम उचकते उचकते जाओ। मेन रोड की बारिश के कारण हो गई और यहाँ पे इन्हें पता नहीं क्या पाइपलाइन वगैरह डाली है तो उसके लिए खराब हो गई। तब चलते घर की ओर। अमृत ने तो फोन उठाया नहीं एंड बलून वगैरह सब ले लिया। बहुत आलस आ रहा था मेरे को एयर फ्रायर करने में तो मैंने इसमें कर दिया। वैसे आपको इसकी साउंड की आवाज़ आ रही होगी तो जब ये हो जाए तब मिलते हैं। देखो अभी टाइम लैप्स में दिखाया था, तक क्लियर मौसम और था एंड अभी फिर से काले बादल आ गए ना, हमारा ये पेड़ गिर रहा है बार बार। कौन सी कहाँ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है गमले के हिसाब से। मेरी फ्रेंच फ्राइज बाकी अभी तलना, एक बार का तो हो गया है, अब बस इतनी सी बची, इसको और तल देते हैं, देन फिर मस्त चीज़ वाली बनाएंगे। सो गाइस ऐसे हमने इसमें डाल दिया चीज़, ये वाली मोज़रेला चीज़ डाली, फ्राइज बस इतनी सी बची, खा लेंगे में से। एंड बाहर हो रही है बारिश तो इसको रखते हैं माइक्रोवेव में एंड मस्त ही बन जाएगी। इसको रखते हैं माइक्रोवेव में देन फिर मिलते हैं। सो गाइस ये हो चुका है तैयार हमारा चीज़ फ्राइज एंड भाई साहब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मतलब देखने में थोड़ा सा ऐसी गुचड़ पुचड़ से लगते हैं बट जो तो सही टेस्ट होता है इनका एंड ऊपर से पिज्ज़ा सॉस और डाल दो तो मज़े ही आ जाते हैं। तो अब खाते हैं इसको देन फिर मिलते हैं सीधा क्लास के बाद, बिकॉज अब खाऊंगा और तब तक क्लास शुरू हो जाएगी तो फिर क्लास के बाद मिलते हैं। सो गाइस टाइम इज रात के 10:03 एंड क्लास वगैरह खाना वगैरह सब हो गया था, मस्ती मजाक भी चल रही थी पापा मम्मी और मेरे बीच। एंड ये बलून भाई देख के तब बढ़िया लग रहा है ना। एंड ऑल्सो एक नया अपडेट है, मतलब काफ़ी लोगों ने देख लिया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है कि टाइम हो चुका है चेंज, अब से व्लॉग आएगा इस टाइम पे लाइक 10 बजे, बिकॉज मेरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव 10 बजे। पहले छुट्टियाँ थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग दोपहर में एक्टिव रहते थे बट अब जो है ऑडियंस शिफ्ट हो गई रात में। देन अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अब जो है कल मेरा है बायोलॉजी का टेस्ट, तो अभी मैं करूँगा बायोलॉजी अपना काम, देन उसके बाद आपसे सीधे मिलेंगे रात में जब सोने जा रहा हूँ। पता नहीं कितने बजे तक देखते हैं तो ज़्यादा नहीं जगह, बिकॉज कल सुबह का सत्यानाश हो जाएगा फिर, तो जितनी तैयारी हो सकेगी उतनी करेंगे, लाइक मोस्ट प्रोबेबली सारी तो है बट थोड़ा बहुत एंड एंड का देख लेंगे। एंड अब ऐसा कोई सीन तो है नहीं कि सुबह उठ के एडिट करना है, आराम से शाम को एडिट कर सकता हूँ मैं ये ब्लॉग भी, तो देखते हैं मिलते हैं आपसे रात में।